मित्रों नमस्कार, मैं श्रवण कुमार कृष्णकांत के साथ गुरु चेला चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नए धातु के साथ, लेकिन उससे पहले कृष्णकांत क्या कह रहे थे? बहुत से मित्रों के ऐसे कमेंट आते हैं कि बड़ा जादू लाओ और बड़ा जादू लाओ और बड़ा जादू लाओ। जितना आप बड़े जादू दिखा रहे हैं ना, तो उनकी मनोकामना और बढ़ती जा रही है। तो आज कौन सा जादू दिखा रहे हैं? मित्रों जादू तो सभी बड़े होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रहस्य होता है, रहस्य का पता चलने के बाद में कोई भी जादू बड़ा नहीं होता है। आज हम आपको एक जादू सिखाने जा रहे हैं। मित्रों दिखाने नहीं जा रहे हैं, देखिए हम केवल रहस्य बताते हैं, करना आपका काम है। चलो मित्रों ने कह दिया तो आज हम आपके सामने एक जादू लेके आए हैं। ये आप टेबल देख रहे हैं, कमाल है गुरुदेव, तो हवा में उड़ने लगी। कृष्णकांत विदेशी जादूगर का स्टेज का ये बहुत बड़ा जादू है। अब इसे बड़ा माने तो बड़ा है और नहीं माने तो छोटा है। जादू सभी बड़े होते हैं, जादू कोई छोटे बड़े नहीं होते हैं। मित्रों हमारा काम जादू सिखाना है, केवल रहस्य बताना है, करना आपका ही काम है। आप लोगों में फैले हुए अंधविश्वास को दूर करना है, बस यही हमारा काम है। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं पढ़े लिखे लड़कों के कि हंसी आती है लोगों पे। कृष्ण का एक बात बताऊं, पढ़ना एक अलग बात है, गुनना एक दूसरी बात है, साक्षर होना केवल किताबी ज्ञान पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई असल में वो है कि हम उसको समझे उसको गुने, वही है पढ़ाई। जो ऐसे कमेंट दे रहे हैं तो मैं तो केवल ये मानता हूं कि उन्होंने केवल किताबी ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने पढ़ा है, गुना नहीं है। और जब वो गुनेंगे मतलब समझेंगे तब उनको पता चलेगा कि क्या चीज है। हाँ तो मित्रों खैर बात लंबी होती जा रही है, हम सीधे इसके रहस्य पर आए। उससे पहले वही दो बात कर लेते हैं कि यदि आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, जो नए मित्र आए हैं इस चैनल पर तो वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और जिन मित्रों ने सब्सक्राइब का बटन दबा रखा है, घंटी का बटन नहीं दबा रखा है तो वो घंटी का बटन दबा दें। ठीक है मित्रों, अब हम इसके रहस्य पर आ जाते हैं। तो मित्रों ये जो टेबल है बनी हुई, ये टेबल लकड़ी की नहीं है, ये टेबल थर्मोकोल की बनी हुई है और लगभग 250 ग्राम के करीब की है। ठीक है। हाँ मित्रों एक बात और बता दूं, यदि कोई गड़बड़ होती है तो बुढ़ा समझ करके, और मैंने आपको पहले बता दिया मेरे हाथों में सुन्नता रहती है, मेरे शरीर में सुन्नता रहती है, तो उसके ऊपर ध्यान न दें, केवल समझने के ऊपर ही ध्यान दें। तो इन लोगों को पता नहीं है ना कि गुरु गुरु क्या है, चला क्या है, इसीलिए वो लोग गुरु जी मौत के मुंह से निकले हुए हैं, ऑपरेशन थिएटर से उठ के भाग के आए और जान बचाई आज से 5 साल पहले। क्यों गुरुदेव? हाँ ऑपरेशन तो नहीं करवाऊंगा, मुझे मरना नहीं है। अब दिखा दीजिए इनका। चलो मैं इसका रहस्य बता देता हूँ मित्रों। ये तो मैंने इसके ऊपर गुलदस्ता लगा रखा था
सुंदरता के लिए गुलदस्ता लगाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। टेबल तो बिना गुलदस्ते के भी उड़ती है, टेबल है वो तो बिना गुलदस्ते के उड़ती है, क्योंकि कोई ये सोचे कि हमने गुलदस्ते से कुछ कारस्तानी कर रखी थी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब मैं इसके रहस्य बताता हूं मित्रों। ये जो टेबल है ये थर्माकोल की बनी हुई है और लगभग 250 ग्राम से भी कम वजन की है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये जो इसके ऊपर टेबल पोस है ये डबल है। नंबर तीन बात, इसके अंदर एक तार लगा हुआ है जो टेबल के को उठाता है, वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। ये टेबल है, इसके अंदर यहां छेद है टेबल क्लॉथ के अंदर, और इस छेद के अंदर से ये तार है, और ये तार है यही इस टेबल को उठाता है, ऊपर ले जाता है, नीचे लाता है, कैसे भी हम इसको कर सकते हैं, ये उठाता है। कोई भी अलौकिक और पारालौकिक कोई शक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं होती है। और जो होती है वो अलग है, वो अच्छे कामों के लिए होती है, जादू के लिए नहीं होती है। ये तार है मित्रों, देख लो इस तरह से मुड़ा हुआ तार है ये, और ये थर्मोकोल की शीट का बनाया हुआ है। इसको लगाना कैसे है? और इसको सेंटर के अंदर इसके बीच में लगाना है, इस प्रकार यहाँ लगेगा, देखिए यहाँ लगेगा, और ये तार इस टेबल क्लॉथ के अंदर है, यहां से ये जो कटा हुआ हिस्सा है इसके अंदर से ये जाएगा। जैसे मैं आपको अंदर दिखा देता हूं, इसको हमने इसमें पिरो दिया, ठीक है, पिरो करके हमने इसमें फिट कर दिया, फिट करने के बाद हमने इस कपड़े को इसके ऊपर रख दिया। कैसे रखना है वो समझ लीजिए, कहानी सब इसी का है, वो किस कोने में रहेगा, कहां से अंदर तैयार है। अब हमारी टेबल है वो तैयार है उड़ाने के लिए। अब हम कोनों को पकड़ेंगे, तो ये जो तार इस कोने में आया हुआ है इसको पकड़ लेंगे साथ में, और इस कोने को जब उठाएंगे तो ये अपने आप काम करेगी। देखिए इसको आगे पीछे चारों तरफ से आप कहीं से भी घुमा सकते हैं, ये सीधी रहेगी। ये टेबल है ना, ये देखिए मित्रों, इसकी ये एक बात बता दूं, आप इस तार को किधर भी घुमाते हैं ये टेबल सीधी रहेगी। ये टेबल है ये सीधी रहेगी, ऊपर उठाओगे तो भी सीधी रहेगी, आप हाथ को नीचे लाओगे तो भी ये सीधी रहेगी। बस मित्रों यही इसका रहस्य है। और बहुत से मित्रों के ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि हमने जो डायनमोजी वाला जो दिया था ना, ओ, उसके जो बच्चे को उठाने वाला या पहलवान डायनमोजी क्यों नहीं उठा पाया, उसके ऊपर पहले तो कमेंट सब कर रहे थे, फिर मैंने कहा आप एक बार उसको ट्राई करो, फिर आप कमेंट करो, ट्राई करो। मित्रों वो एकदम सही है, जो मैंने बताया है वो एकदम सही है, वो अनुभूत है, ये कोई मजाक नहीं है, केवल गप नहीं है। आप घर पे करके देखिए, बच्चे को उसी स्थिति में खड़ा कीजिए, आप बच्चे को पहले आप कोणी सीधी है फिर उसकी कोणी थोड़ी आगे कीजिए, आपको पता चल जाएगा। नहीं, वो स्कूल में जाने से बच्चा लोग आप जो कहानी बता रहे थे, बच्चा बोला नहीं जाऊंगा, लौट जाता, फिर उसको उठाने में दिक्कत होती। कई बार ऐसा होता है कि कईयों में भूत प्रेत की छाया सी होती है, लोग कहते हैं कि हम चार चार पांच पांच नहीं उठा सके, तो उसके अंदर कोई भूत प्रेत की नहीं होती है, उसी के अंदर ये ग्रेविटी का ये दंगा हो जाता है, मतलब अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देते, ढीला छोड़ देते, तीर्थ कर दो, ग्रेविटी बढ़ जाएगी,
ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो वजन बढ़ जाएगा, मतलब उठाने में दिक्कत होगी, वजन तो मतलब अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है मित्रों, माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो भी कोई बात नहीं, यदि नहीं माने आपको मेरी बात पसंद नहीं है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, पसंद आए अच्छी बात है। ठीक है मित्रों, लाइक शेयर कमेंट, यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है मित्रों, हम फिर मिलेंगे एक नए जादू के साथ, तब तक के लिए मेरा और कृष्णकांत का आपको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।